Welcome you all in this video. In this video, we are discussing about a numerical problem on design of dogleg staircase. So, problem number first, design a dogleg staircase for an office building in a room measuring 3 meter by 6 meter clear dimensions. Floor to floor height is 3.6 meter. The building is a public building liable to overcrowding. Stairs are supported on brick walls 230 mm thick at the end of landings. Use M20 concrete and Fe415 steel. So, question ko solve karte hain. Yahan hame kuch datas given hai. Use hum step first mein note down karte hain. So, type of staircase. Dogleg staircase yahan par hame given hai. Clear size of staircase 3 meter by 6 meter question mein given hai. Height between floors 3.6 meter given hai. Width of support BS indicate किया जाता है जो कि 230 mm question में given है. Next data is grade of concrete. FCKS indicate किया जाता है जो कि 20 Newton per mm square given है. Grade of steel FYS indicate किया जाता है जो कि 415 Newton per mm square given है. And last data is type of building हमें given है जो कि public building है liable to overcrowding. Okay, so यहाँ पर public building है. Okay, and liable to overcrowding. So given data के according clear size of staircase 3 meter by 6 meter है. So 3 meter यहाँ पर width of staircase वहीं 6 meter length of staircase को show कर रहा है. जैसे यहाँ पर 3000 width of staircase और 6000 length of staircase plot किया गया है. यहाँ पर brick wall यहाँ पर width of support को show कर रहा है जो कि 230 mm है. Dogleg staircase में दो flights होती है जो कि 180 डिग्री पर मूवमेंट्स अलाउ करती है. सो दिस इज लैंडिंग और दिस इज आल्सो लैंडिंग. सो दिस पार्ट आर नोन एज गोइंग. सो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है. स्टेप सेकंड, प्रोपोर्शनिंग ऑफ डाइमेंशंस ऑफ स्टेयरकेस. सो डिज़ाइन ऑफ डॉगलेग्ड स्टेयरकेस में स्टेप सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. ओके सो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस कर रहे थे जो क्वेश्चन में हमें गिवन था और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोपोर्शनिंग ऑफ डाइमेंशंस करने वाले हैं. सो जैसे कि यहाँ पर आपको फिगर टू में प्लान ऑफ डॉगलेग्ड स्टेयरकेस शो हो रहा है. यहाँ पर हमें 3000 विड्थ ऑफ स्टेयरकेस और 6000 लेंथ ऑफ स्टेयरकेस गिवन था और हमें फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3600 क्वेश्चन में गिवन था. ओके सो अब इन सारी डायमेंशंस की प्रोपोर्शनिंग हम करते हैं. ओके सो अवेलेबल विड्थ ऑफ स्टेयरकेस 3000 mm. सो हमें पता है कि डॉगलेग्ड स्टेयरकेस में दो फ्लाइट्स होती है, मतलब ये फ्लाइट वन और ये फ्लाइट टू. ओके अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा फ्लाइट है उसके विड्थ को हम लोग को अज्यूम करना होता है. ओके इन जनरल डॉगलेग्ड स्टेयरकेस में जिसे विड्थ ऑफ स्टेयरकेस 3000 है तो डिवाइड बाय 2 करके हम डॉग फ्लाइट्स की विड्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं जनरली. ओके ऐसा आप तब कर सकते हैं जब आपको दोनों फ्लाइट्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं देनी हो. वैसे डॉगलेग्ड स्टेयरकेस में दोनों फ्लाइट्स के बीच में जो स्पेस होती है वो ज़ीरो होती है या बहुत माइनर सी होती है. सो यहाँ पर बहुत माइनर सी स्पेस इस क्वेश्चन में मैंने पुट की है. आप चाहो तो उसे नहीं भी कर सकते हो. ओके सो यहाँ पर विड्थ ऑफ स्टेयरकेस विड्थ ऑफ फ्लाइट जो है वो 1350 यहाँ पर मैंने अज्यूम किया है. ओके सो इसका मिनिमम का क्राइटेरिया है जो कि 1 मीटर है. कम से कम आपको 1 मीटर की विड्थ तो अज्यूम करनी ही है. ओके सो दोनों फ्लाइट्स की जो विड्थ है वो 1350 यहाँ पर मैंने अज्यूम किया है. सो इन दोनों फ्लाइट के बीच की जो स्पेस है वो कैसे निकाल सकते हैं. सो स्पेस बिटवीन द टू फ्लाइट्स दैट इज टोटल लेंथ टोटल विड्थ ऑफ स्टेयरकेस 3000 माइनस 2 इनटू 1350. सो फाइनली वी गॉट द 300 mm. सो 300 mm इन दोनों फ्लाइट के बीच की जो स्पेस है उसके विड्थ आ गया. ओके नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो कि 3600 है क्वेश्चन में गिवन है. ओके सो हमें पता है एज देयर विल बी टू फ्लाइट्स. यहाँ पर दो फ्लाइट है. सो एक फ्लाइट की जो हाइट है वो हम दो से डिवाइड करके निकाल सकते हैं. सो हाइट ऑफ ईच फ्लाइट इज 3600 डिवाइड बाई 2. सो फाइनली वी गॉट द 1800 mm. ओके सो यहाँ पे 3600 mm हमें क्वेश्चन में हाइट फ्लोर टू फ्लोर दिया हुआ था जिसको डिवाइड बाई 2 कर दिया तो एक फ्लाइट जो है उसकी 1800 mm की यहाँ पर हाइट आ गई और दूसरे फ्लोर की 1800 mm यहाँ पर हाइट आ गया. ओके सो अज्यूमिंग द
हाइट ऑफ राइजर। ओके, सो यहाँ पर जो राइजर है, यहाँ पर बात हमें ध्यान रखनी है कि पब्लिक बिल्डिंग में जो राइजर है वो 150 हमें अज्यूम करना है और जो ट्रेड होता है वो 300 mm अज्यूम करना है फॉर पब्लिक बिल्डिंग, ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन में हमें पब्लिक बिल्डिंग गिवन था, सो अज्यूमिंग हाइट ऑफ राइजर इज 150 mm। ओके, सो एक फ्लाइट में अगर हम नंबर ऑफ राइजर्स निकालें तो टोटल हाइट मीन्स 1800 को अगर एक राइजर से डिवाइड कर दें, मतलब 1800 डिवाइड बाय 150, सो फाइनली वी गॉट द नंबर ऑफ राइजर्स। सो यहाँ पर फाइनली हमारे पास राइजर्स 12 आते हैं। ओके, और इन 12 को यहाँ पर हम लोगों ने पुट कर दिया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ओके, अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ ट्रेड्स निकाल लेते हैं। सो नंबर ऑफ ट्रेड्स जो होंगे वो नंबर ऑफ राइजर माइनस वन होता है। ओके, सो माइनस वन क्यों होता है, देखिए यहाँ पर जैसे ये जो आपको ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ये स्टेप्स हैं, और इन स्टेप्स का जो वर्टिकल पार्ट जो दिख रहा है वो राइजर कहलाता है और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसे हम लोग ट्रेड कहते हैं। सो देखिए काउंट करते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, ये 11। अब देखो ये 12 वाला आप काउंट करोगे तो ये 12 ट्रेड नहीं है, ये इस स्टेप का लास्ट स्टेप का जो ट्रेड होता है वो लैंडिंग में काउंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर राइजर तो काउंट होता है इस स्टेप का, बट यहाँ पर ट्रेड काउंट नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पर जो ट्रेड होते हैं वो राइजर से कम होता है। सो 12 यहाँ पर हमारे पास राइजर थे, माइनस वन कर दिया तो नंबर ऑफ ट्रेड्स आ गए। ओके, सो लेट द वर्थ ऑफ ट्रेड 300 mm, पब्लिक बिल्डिंग के लिए यहाँ पर 300 mm हम लोग को ये कंसिडर करना है। सो टोटल गोइंग हम निकाल सकते हैं, गोइंग क्या होता है ये वाला पार्ट। ओके, जैसे हम लोग प्रीवियस स्टेप में इसको डिस्कस किए थे। ओके, सो गोइंग हम लोग निकाल सकते हैं 11 हमारे ट्रेड्स हैं इनटू एक ट्रेड की जो विड्थ है वो 300 है, सो 11 × 300 फाइनली वी गॉट द 3300 mm। ओके, सो इसके प्लान में भी हम देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर 11 जो ट्रेड्स हैं, 11 इंटू एक ट्रेड की वर्थ हम लोगों ने 300 से मल्टीप्लाई करके फाइनली हम लोग गोइंग की लेंथ फाइंड आउट कर ली, जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में भी देखा जा सकता है। सो टोटल लेंथ ऑफ अवेलेबल हमारे पास कितना है, टोटल लेंथ हमारे पास 6000 अवेलेबल है। ओके, 6000 क्वेश्चन में गिवन था। तो वर्थ ऑफ ईच लैंडिंग, हर एक लैंडिंग की हम लोग यहाँ पर वर्थ निकाल सकते हैं। ओके, ये वाला लैंडिंग और ये वाला लैंडिंग यहाँ पर इसमें भी देख सकते हैं। सो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, जो हमारे पास टोटल लेंथ है उसमें से हम जो गोइंग है उस पार्ट को माइनस कर दें और दो लैंडिंग इसलिए दो से डिवाइड कर दें। सो फाइनली वी गॉट द 1350 mm। सो फाइनली यहाँ पर हमारे पास वर्थ ऑफ लैंडिंग आ जाता है। सो यहाँ पर स्टेप सेकेंड कम्प्लीट होता है। स्टेप थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्पैन। सो एल इफेक्टिव डॉगलेग स्टेयर केस के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स होता है। सो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड सपोर्ट हो गया, ये राइट हैंड सपोर्ट हो गया, और इन दोनों सपोर्ट के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगी वही हमारा एल इफेक्टिव होगा। सो एल इफेक्टिव इक्वल टू विड्थ ऑफ लेफ्ट हैंड सपोर्ट डिवाइड बाई 2 प्लस द क्लियर लेंथ प्लस विड्थ ऑफ राइट सपोर्ट डिवाइड बाई 2। सो एल इफेक्टिव इक्वल टू 230 डिवाइड बाई 2, क्वेश्चन में हमें 230 का वर्थ ऑफ सपोर्ट गिवन है, डिवाइड बाई 2 प्लस 6000 लेंथ ऑफ स्टेयरकेस प्लस 230 डिवाइड बाई 2 वर्थ ऑफ राइट हैंड सपोर्ट। सो फाइनली वी गॉट एल इफेक्टिव इक्वल टू 6230 mm। ओके, सो इसे मीटर में 1000 से डिवाइड करके लिखा जा सकता है, सो 6.23 meter। ओके, सो स्टेप थर्ड के अकॉर्डिंग एल इफेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप्स के लिए हमें कुछ और डेटा रिक्वायर्ड होगा, वो हम यही निकाल लेते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पर इंक्लिनेशन ऑफ वेस्ट स्लेप निकालना है। सो वेस्ट स्लेप क्या होता है, ये जो इंक्लाइन आपको स्लेप दिख रहा है इसी को हम लोग वेस्ट स्लेप कहते हैं। हॉरिजॉन्टल जो स्लेप दिख रहा है वो तो लैंडिंग है, और जो इंक्लाइन स्लेप दिख रहा है उसे वेस्ट स्लेप कहा जाता है। सो हॉरिजॉन्टल के साथ इस वेस्ट स्लेप का जो एंगल होगा, दैट इज इंक्लिनेशन, ओके, एंगल ऑफ वेस्ट स्लेप थीटा। ओके, इसका क्राइटेरिया होता है ये 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ओके, सो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इसे 10 थीटा के हिसाब से इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। सो 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर टू द बेस। सो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए, सो यहाँ पर गोइंग की जो लेंथ है वो 3300 हम लोग प्रीवियस स्टेप्स में देख चुके हैं, और जो गोइंग है उसमें हम लोग 11 स्टेप्स को ही काउंट किए हैं, ना कि 12 स्टेप्स को।
ओके, क्योंकि जो लास्ट वाला स्टेप है वो हमारा लैंडिंग में कवर हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर हम 11 स्टेप्स की ही हाइट हम लोग लेने वाले हैं। ओके, सो टोटल हाइट जो एक फ्लाइट की है वो 1800 है। 1800 माइनस हाइट ऑफ वन राइजर मींस 150 अगर हम लोग कर दिए तो हमें 11 स्टेप्स की हाइट आ जाएगी। ओके, जो कि 1800 माइनस 150 mm है। ओके, अब वहीं पर लेंथ ऑफ 11 स्टेप्स ओके हमारे पास 3300 है। सो फाइनली यहाँ पर 0.50 टेन थीटा आ जाता है। सो थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स 0.50 से 26.57 आ जाता है, जो कि 25 से 40 के बीच में आ रहा है, हेंस ओके। ओके, नेक्स्ट हमें इंक्लाइन लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब फाइंड आउट करना होता है। ओके, सो इसे दो स्टेप से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें एंगल पता चल गया तो इजीली या तो हम लोग साइन थीटा लगा लें, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, सो मेथड फर्स्ट के थ्रू यहाँ पर मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया। ओके, सो हाइपोटेनियस मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ मीन्स लेंथ ऑफ इंक्लाइंड लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब। सो यहाँ पर मेरा जो परपेंडिकुलर होगा अगेन 1800 माइनस हाइट ऑफ वन स्टेप मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया डिवाइड बाय साइन थीटा, थीटा मेरा 26.57 था, फाइनली मुझे 3690 mm या फिर 3.69 मीटर वैल्यू आ जाता है, जो कि इंक्लाइन लेंथ ऑफ वेस्ट स्लेब है। या मेथड टू से मैं ऐसा निकाल सकता हूँ, जो मैं आपको यहाँ फिगर में दिखाता हूँ, ये जो रेड सर्कल वाला जो स्टेप दिख रहा है ओके, इसी को यहाँ पर इनलार्ज करके यहाँ पर शो किया गया है। सो देखिए ये यहाँ पर एक स्टेप है और जो राइजर है वो 150 था और जो ट्रेड है वो 300 था। ओके, सो यहाँ पे पाइथागोरस लगा के हम इजीली ये जो एक स्टेप का जो इंक्लाइन पार्ट है उसे हम निकाल सकते हैं, दैट इज हाइपोटेनियस। कैसे निकाल सकते हैं? सो हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 300 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर। सो यहाँ पर वही मैंने किया और कितने स्टेप्स हैं हमारी गोइंग में, 11 स्टेप्स है, तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो फाइनली वी गॉट द 3690 mm इक्वल टू 3.69 मीटर। ओके, अब हमें थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लेब ओके, ये जो इंक्लाइंड स्लेब है ओके या फिर लैंडिंग भी है, सो थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लेब या लैंडिंग हमें फाइंड आउट करनी होती है। सो जनरली ये वाली जो वैल्यू होती है ये 1/15 ऑफ एल इफेक्टिव से लेकर 1/20 ऑफ एल इफेक्टिव हम लोग कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पर मैंने 1/20 ऑफ एल इफेक्टिव अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पर लिया है। सो 1/20 ऑफ एल इफेक्टिव मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ ओके, जो कि 6230 है, पुट किया तो 311.5 mm है। ओके, सो देखिए थिकनेस जो होगा दैट इज ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लेब। ओके, सो यहाँ पर लैंडिंग की बात कर लें या फिर वेस्ट स्लेब की बात कर लें, सो ये थिकनेस ओवरऑल डेप्थ ऑफ वेस्ट स्लेब को इंडिकेट करेगा, जो कि 311.5 आ गया। सो इसको मैं राउंड फिगर करके 325 कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं 25 mm का जो है वो क्लियर कवर अज्यूम कर लेता हूँ। सो ओवरऑल डेप्थ में से अगर क्लियर कवर में सॉरी इफेक्टिव कवर 25 का यहाँ अज्यूम कर लेता हूँ। सो ओवरऑल डेप्थ में से अगर मैं 25 mm का इफेक्टिव कवर में माइनस कर दूँ तो फाइनली वी गॉट द इफेक्टिव डेप्थ, जो कि 300 mm यहाँ पर आ जाती है। सो यहाँ फिगर में ओवरऑल डेप्थ या फिर थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर स्टेप थर्ड हमारा कंप्लीट होता है।